अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। पहाड़ी शरीफ इलाके में मुसलसिल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर ड्रेनेज का पानी बहने की वजह से कई मासूम बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहाड़ी शरीफ हसन नगर के इलाके में मुसलसिल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे ड्रेनेज का पानी बहने की वजह से कई लोगों में बीमारी का अंदेशा है और हुकूमत तेलंगाना और मुतालिका एमएलए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वाज़ह रहे कि मुतालिका जो एमएलए है तिगल कृष्णा रेड्डी, वो तेलुगु देशम से यहाँ पर कामयाब हुए थे, लेकिन लालच में उन्होंने टीआरएस ज्वाइन किया। उसके बावजूद कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कई करोड़ों रुपए का फंड जारी किया था, लेकिन यहाँ पर ना सड़कें हैं, ना ही तो पानी की सहूलत है, ना ही तो अवाम को रहने के लिए सही मकानात। फिर ये फंड कहाँ जा रहा है? अवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाए, ताकि जब इख्तदार इनका जाएगा तो जब इनको समझ में आएगा कि इनसे क्या गलती हुई थी। अभी तो इख्तदार का नशा है, वो नशे में ये भूल गए हैं कि अवाम अगर चाहे तो आपको आसमान पे बिठाती है, अगर वो अवाम चाहे तो आपको जमीन में ला लेती है। अवाम को भी चाहिए कि अपनी ताकत का अंदाजा रखे, और उनकी ताकत ही इनकी शिकस्त है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो इलाके में अगर एक से दो बार कोई एमएलए एक ही पार्टी का जीतता है तो वहाँ पर तरक्यात के काम नहीं होते। इसीलिए अवाम को चाहिए कि हर 5 साल में एमएलए को बदले, पार्टी को बदले, ताकि आपके काम आसानी से हो। ये वक्त है, सुनहरा वक्त है आपके पास। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक ये लोग आपके साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे और आपके जज्बात के साथ खेलते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी आवाज को हुकूमत तक पहुँचाए और डाले, और हम आगे भी ये काम करते रहेंगे। देखना है कि हुकूमत तेलंगाना और मुतालिका एमएलए इन अवाम के लिए क्या काम करते हैं। मैं हमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मैं हमारे पास पूरा ड्रेनेज का पानी बह रहा, नंबर 2 पूरा खुंदल के आ रहे हैं, बच्चे घर के सामने आ जा रहा। नंबर 2 कब से आ रहा है? 2 साल से फोटो ले रहे हैं अफजल भाई, हमारे करे आके लीडर हैं। 2 साल से फोटो ले रहे हैं, कचरे कुंडी में डाल रहे होंगे, कोई देखने वाला नहीं है। खयाम बुखार आ रहा, बच्चों को मोशन हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कब से आ रहा है? कब से आ रहा है यहाँ पे? 2 साल से तो फोटो ले रहे हैं भाई, हमारे घर में से कनेक्शन रखे 12 गलियों का। हमारे ये गंदगी कब से भर रही है आप लोग? 2 साल से तो आराम माकू, 2 साल से भर रहा। बारिश में तो सारा महीना चल गया था बारिश का, साल भर नहीं, एक दिन नहीं, बोल यहाँ भर रहे हैं, कल साफ कर रहे हैं, फिर दूसरा दिन पानी जा रहा। जलपल्ली में म्यूनसिपल में कम्प्लेन कर रहे थे आप लोग? और 1-2 साल से देखो घूम उठने लीडर है हम लोग, ना जलपल्ली में कोई काम सुन रहे हमारा, ना तो यहाँ कोई लीडर है ही नहीं। यहाँ पर कोई लीडर मालूम नहीं, कौन लीडर है यहाँ पर? घूमूत में लीड़ रहे, और रमजान जैसा रमजान गया, पूरे नमाजियाँ भी घूमूत में से जा रहे हैं। आप कंप्लेन कर रहे हैं, जलपल्ली में जाके सर फोड़ रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी गली भी पूरी वैसी, ये भी ऐसी पूरी वैसी थी, घूमूत में लीड़ रहे। बड़े बड़े पैपा तो अभी डालो, मेहरबानी होती, या नहीं तो कुछ तो भी उसका मसला हल करो आप लोग। सुने मैं वादे मुस्तफ़ा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सैयद हुसैन है। ये वादे मुस्तफ़ा में बा मस्जिद के पास जो एक स्कूल है, स्कूल के सामने जो है पूरा ड्रेनेज का पानी 1.5 साल से भरा। कमिश्नर साहब को हम बार बार लाए थे यहाँ पे, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, फ़ोटो पे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, देखिए साहब हमारा ये हाल है, बल्कि छोटे छोटे बच्चे जाते आते, पूरा घूमत का पानी पूरा जा रहा है, यहाँ से सुनने वाला कोई भी नहीं है। अफजल भाई को बोल रहे हैं, उन्होंने आ रहे, थोड़ा वो साफ़ करा रहे हैं, जा रहे, फिर वो भरा भरा वो पैपा छोटे है। कमिश्नर साहब आपसे एक दर्दमंदाना अपील है कि आप यहाँ पे पैपा चेंज कराइए, पैपा डलाइए, या बात करें कि साफ कराने से ये नहीं होने वाला ये मसला हल। आप आके एक बार यहाँ के पैपा चेंज कराइए, यहाँ के अवाम जो है तकलीफ़ में है हम बहुत। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाना आना, फिर जो है
मस्जिद है यहाँ पे, स्कूल है यहाँ पे, नमाजियों को परेशानी, स्कूल वालों को परेशानी, बस साबिर अली साहब से हमारा ये स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे नमाज पढ़ाने वाले बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू हो रहा, और वादे मुस्तफ़ा में से कई वारदात है जो डेंगू से लोग, जैसा छोटे बच्चे हैं, जवान आदमियाँ हैं, कई जने मर गए, सो आ रहे हैं लीडर, हाँ बस देख ले रहे हैं, चले आ रहे, बस हमारे को बस काम होना है यहाँ पे, बस अस्सलाम वालेकुम। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।